नमस्कार मित्रों, ईटीवी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्णमुरारी शास्त्री आज आपको एक नए विषय विजयदशमी के पर्व की जानकारी प्रदान करूंगा। विजयदशमी का पंचांग तथा विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाने की विधि, उस दिन कौन सा योग है, क्या खरीदारी आपके लिए शुभ रहेगी, इस विषय में भी आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो चलो आइए सर्वप्रथम आपको दैनिक पंचांग अर्थात विजयदशमी का पंचांग क्या रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करता हूं। तो दर्शकों, द्वितीय आश्विन शुक्ल मास चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में 25 अक्टूबर 2020 को वार रहेगा रविवार। उस दिन तिथि रहेगी नवमी तिथि अर्थात 7:42 तक नवमी तिथि रहेगी, उसके उपरांत दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, जिसका समाप्ति काल रहेगा रात्रि को 4:22 पर। गंड योग रहेगा, जिसका समाप्ति काल रहेगा 12:27। कोलवकरण रहेगा और चंद्रमा की स्थिति अर्थात चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, सूर्य तुला राशि में रहेगा, बाकी शेष ग्रह अपनी अपनी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। ये तो आपको दैनिक पंचांग के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। अब मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे बहुत से कारण है। प्रथम कारण तो मैं आपको बताता हूँ कि माँ भगवती दुर्गा ने अर्थात देवी ने उस दिन दुष्टों का संहार किया था अर्थात महिषासुर का मर्दन किया था। इसके उपलक्ष्य में भी हम दशहरा मनाते हैं। दूसरा, भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी अर्थात असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इस उपलक्ष्य में भी हम दशहरा मनाते हैं। ऐसे अनेक अनेक इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान हो सकती है। तो दशहरा रहेगा 25 अक्टूबर 2020 को रविवार रहेगा और उस दिन रवि पुख्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है, जो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इस दिन आप किसी भी वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। इससे आपको पूरे वर्ष अच्छा लाभ मिलेगा और सुख समृद्धि भी आपके बढ़ेगी। इस दिन भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा भी की थी अर्थात शमी वृक्ष से पूजा करने के उपरांत उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे को युद्ध में विजय श्री मिले, और भगवान श्री राम को विजय श्री भी प्राप्त हुई थी, इसलिए शमी वृक्ष की पूजा भी इस दिन की जाती है। दूसरा, कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए भी शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था, ऐसा भी प्रसंग यहाँ पर मिलता है। अर्थात जो भगवान कुबेर है, धन के देने वाले देवता हैं, उन्होंने शमी के वृक्ष के पत्तों को सोने का बना दिया था, जिससे राजा जो रघु था उसने अपनी गुरुदक्षिणा प्रदान की। तो ये तो इसके महत्व के बारे में थे। अब इस दिन पूजा की जाती है तो आपको बता दें अपराजिता देवी की पूजा की जाती है अर्थात जिसकी पूजा करने से व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। युद्ध में, व्यापार में, रण में, कौशल में, विद्या में अर्थात विद्यार्थी विद्या की पूजा कर सकते हैं, शस्त्र को पूजने वाले शस्त्र की पूजा कर सकते हैं और शास्त्र को पूजने वाले भी शास्त्र की पूजा कर सकते हैं। अर्थात अपराजिता देवी की पूजा करने पर उनको निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलती है और उसी दिन जया और विजया देवी की पूजा की जाती है। तो पूजा करने का जो समय रहेगा वो विजय मुहूर्त रहेगा 25 अक्टूबर 2020 को 1:57 दिन में, यहाँ से लेकर के 2:42 तक अर्थात 45 मिनट का समय रहेगा। इसमें आप अपने शस्त्र पूजा भी कर सकते हैं, शास्त्र पूजा भी कर सकते हैं। अपराह्न मुहूर्त पश्चात में 1:12 से
3:27 तक 2:15 का जो समय रहेगा इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवमी तिथि प्रातःकाल 7:42 तक रहेगी, उसके बाद में दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः धर्म सिंधु में भी निर्णय दिया गया है कि सूर्य उदय के बाद में जो तिथि होती है वो 1 घटी तक रहती है, उस दिन नवमी तिथि होती है, लेकिन अपराह्न में अगर दसवीं तिथि पड़ती है तो उस दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तो उसी दिन नवमी तिथि भी रहेगी और विजयादशमी का जो पर्व है वो भी 25 अक्टूबर 2020 को ही मनाया जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपको, विधि विधान से अपराजिता देवी की और जया और विजया देवी की पूजा करनी चाहिए। इससे पूरे वर्ष भर आपको सुख समृद्धि धन धान्य का लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरी, समी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो एक समी का पेड़ भी आप अवश्य लगाएं। तृतीय बात, गुप्त दान अवश्य करें, हो सके तो गुप्त दान करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो सके तो अवश्य करें, ऐसा शुभ कहा गया है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और किसी गरीब को भी यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो मित्रों दशहरे का जो पर्व है इसको बड़े धूमधाम से मनाइए और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके जीवन में मंगलमय कार्य करते रहें, आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।